अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। क्लास 10 केमिस्ट्री में आज हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 10, जो एक टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स और बेस के बारे में, कि इनके माबेन में क्या डिफरेंसेस है। तो आज हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में आज हमने पढ़ना है। सो एसिड के बारे में लास्ट लेक्चर में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि एसिड का जो लफ्ज़ है वो आया है, एक लैटिन वर्ड है एसिडस से आया है, और एसिडस का मतलब ये होता है सोर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट होता है, ठीक हो गया। और मैंने ये भी कहा था कि बेस एक सिनोनिम है, ये किसी भी वर्ड से नहीं आया है, बल्कि बेस असल में बदमज़ा या किसी तलख चीज़ का नाम है जिसको असास भी कहा जाता है। तो इन दोनों के मबेन में आज हमने डिफरेंस को जिक्र करना है कि एसिड और बेस में क्या फ़र्क होता है। आपके सामने कोई चीज़ें पड़ी है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एसिड है, ये हमारे पास बेस होता है। एसिड की फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं टेस्ट में क्या होगा, सोर होगा। सोर से क्या मुराद है, कट्टा, त्रिव, इससे क्या मुराद है, कट्टा, ये कट्टा होगा, ठीक हो गया, कट्टा सोर इन टेस्ट होगा। जबकि बेस क्या होगा, वो तलख होगा, तलख मींस बदमजा, जिसका कोई जायका नहीं होता। इसमें अगर हम जिक्र करें सोर टेस्ट में, जैसे कि मैंने पिछली टॉपिक में भी डिस्कस किया था, लेमन है या ऑरेंज होता है एटसेट्रा वगैरह वगैरह। इसमें अगर मैं जिक्र करूं तो इसमें बिटर में क्या चीज़ें हैं, जैसे कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये कुछ केमिकल्स हैं, ठीक हो गया। या अगर हम सोप की बात करें, साबुन की अगर हम बात करें, तो ये बिटर कैटेगरी में आती हैं। इसी तरह आप देखें जो एमोनिया का अगर हमने जिक्र करना है, एमोनिया, ठीक हो गया, जिसका फार्मूला है NH3, तो ये भी क्या चीज़ है, ये भी हमारे पास बेस होता है। तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज के ये सॉर इन टेस्ट होगा, ये बिटर इन टेस्ट होगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, फील लाइक वाटर। जब भी आप एसिड उठाएंगे आपको पानी की तरह फील होगा, ये तो बेसिकली क्या है, वो पानी है, लेकिन वो क्या होता है कि ख़तरनाक साबित होता है, क्योंकि ये स्किन को भी जलाती है। मैंने ये भी कहा था लास्ट लेक्चर में, क्या है कि स्किन को जलाने वाली जो चीज़ होती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, एसिड भी है बेस, ये दोनों कैटेगरी इसमें आती हैं। सो ये वाटर की तरह फील होगा, ये क्या होगा, स्लिपरी होगा, स्लिपरी मींस जो पिसल रही हो, ठीक हो गया, जैसे कि साबुन की अगर हम बात करें तो वो स्लिपरी है। अच्छा, इसका क्या होगा कि रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे ये है, ये HCl हमारे पास क्या है, ये एसिड होता है, और ये अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ये प्रोडक्ट में क्या चीज़ें बनाता है, सोडियम और क्लोरीन को मिलाएं तो प्रोडक्ट में नमक बनेगा सोडियम क्लोराइड, और OH को H के साथ मिलाएं तो यहाँ पर बन जाएगा वाटर बन जाएगा। तो एसिड का काम ये होगा कि ये बेस के साथ टकराव करेगा और प्रोडक्ट में कोई साल्ट और वाटर बनाएगा। इसी तरह रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, ये बेस है हमारे पास, ये क्या है, ये है बेस, और ये क्या है, ये है एसिड है, तो ये बेस अगर एसिड के साथ टकराव करेगा तब भी साल्ट एंड वाटर बनेगा, और इस टाइप की रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी कि ये चीज न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गई है। इसी तरह बेस अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। अच्छा, फोर नंबर पॉइंट की तरफ आते हैं, इसमें ये रिएक्ट विद मेटल्स, अच्छा ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है। देखिए, जब भी एसिड मेटल के साथ टकराव करेगा तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये अगर टकराएगा किसी मेटल के साथ, सोडियम के साथ, तो प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में क्या आएगा वो, यानी कि सोडियम सल्फेट, सॉरी, ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट बन जाएगा,
Na2SO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो किसी भी एसेट के साथ इसी तरह आप देखें, अगर HCl को मैं मिलाऊं सोडियम के साथ तो प्रोडक्ट में हमारे पास आएगा सोडियम क्लोराइड और प्लस ये H2 गैस रिलीज होगा। ठीक हो गया, तो H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस वो रिलीज हो गई। तो किसी भी एसेट का टकराव जब किसी मेटल के साथ होगा तो प्रोडक्ट में एक गैस रिलीज होगी जिसको हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। इसी तरह अगर इसमें आते हैं तो ये आगे से मेटल के साथ इसका टकराव नहीं होता। कोई भी अगर आप बेस उठाएं तो उसका टकराव मेटल के साथ नहीं होता। अच्छा, इस पॉइंट की तरफ आते हैं, पांच नंबर पॉइंट है। इसमें ये डिस्कस करते हैं कि एसिड जो होते हैं वो गुड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स असल में वो चीज़ होती है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता हो। तो किसी भी एसिड को जब हम डालते हैं पानी में डालते हैं तो वो आयंस में ही कन्वर्ट हो जाता है, और जिस मीडियम के अंदर आयंस होते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक करंट वो क्या होता है, वो पास होता है। जैसे कि एग्जांपल है, अगर मैं HCl को उठाऊं और इसको अगर मैं पानी में डालूं तो ये हमारे पास HCl बनाएगा और Cl नेगेटिव बनाएगा। तो जिस चीज़ के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की एग्जिस्टेंस होगी वहाँ से क्या होगा, वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट बआसानी वो पास होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि गुड इलेक्ट्रोलाइट्स है, लेकिन किस स्टेट में है, जब वो आयोनाइज्ड स्टेट में होगा, आयंस की शक्ल में होगा। और ये भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को उठाएं तो इसको अगर हम पानी में फेंकें तो ये सोडियम आयन बनाएगा और प्लस ये हाइड्रोक्सल OH नेगेटिव आयन बनाएगा। तो किसी भी बेस या एसिड को जब भी हम पानी में फेंकेंगे तो आगे से आयंस बनाएगा, और पानी के अंदर आयंस की मौजूदगी इस बात का सबूत देती है कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट वो बआसानी क्या होता है, वो पास होता है। अच्छा, इसमें सिक्स नंबर पॉइंट ये है कि टर्न्स लिटमस रेड। ये बात आप याद रखें कि ये लिटमस क्या चीज़ होता है। बेसिकली हम लेबॉरेटरी में ही इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि लिटमस क्या है। तो इसको नोट करें कि लिटमस ये एक फिल्टर पेपर होता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि फिल्टर पेपर ये वुड से बना होता है, वुड सेलुलोज से ये बना होता है। ये किस चीज़ से बना होता है, ये वुड सेलुलोज से बना होता है। ठीक हो गया, सेलुलोज ये इससे बना होता है। अच्छा, लिटमस के ऊपर हम एक मिक्सचर डालते हैं, किस चीज़ का, यानी कि इस पेपर के ऊपर हम मिक्सचर डालते हैं, और वो मिक्सचर किस चीज़ का होता है, ये डिफरेंट डाइस का होता है। क्या होता है, डिफरेंट डाइस होती है। अब डाइस क्या है, डाइस कहा जाता है रंग देने वाले मसाले। ठीक हो गया, रंग देने वाले मसाले, ये मुख्तलिफ रंगों से बना हुआ एक मिक्सचर होता है, और ये मिक्सचर क्या है, ये है वाटर सालोबल होता है, ये पानी में हल होता है। ठीक हो गया, जो ही लिटमस हम, तो यहाँ पर लिटमस पेपर से मुराद ये है कि लिटमस पेपर ये एक ऐसा फिल्टर पेपर होता है जो वुड सेलुलोज से बना होता है। ठीक हो गया, ये वुड सेलुलोज से बना होता है। उसके बाद क्या है कि इसके ऊपर एक ऐसा अमीजा मिक्सचर डाला जाता है रंगों का, मुख्तलिफ रंगों का, यानी कि डिफरेंट डाइज लगा दी जाती है इस लिटमस पेपर के ऊपर। और इस लिटमस पेपर का काम ये होता है कि ये हमें मुख्तलिफ रंग दिखाता है, यानी कि अगर इसको हम एसिड में फेंकते हैं तो वो हमें रेड कलर दिखाई देगा, और अगर इस लिटमस को हम बेस में फेंकते हैं तो फिर वो हमें ब्लू कलर दिखाई देगा। इसी तरह एसिड की एक और प्रॉपर्टी ये है कि एक एसिड बेस इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर असल में क्या है, ये एक कीमियाई कंपाउंड होता है, और ये किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो एसिडिटी या बेसिसिटी होती है उसको जाहिर करता है। तो एक इंडिकेटर है जिसका नाम है फिनाफ्थलीन। तो फिनाफ्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर, एक ऐसा कीमियाई कंपाउंड होता है जो एसिड में
कलरलेस होता है, जबकि बेस में इसका रंग क्या होता है, ये पिंक कलर होता है। तो इससे हमें ये पहचान मिलती है कि इस फेनाफ्थलीन एक ऑर्गेनिक क्या है, इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर क्या है कि वो किसी भी चीज़ की वो ज़ाहिरी हालत शो कर देता है, यानी कि अगर हम इसको इसके दो तीन ड्रॉप्स अगर हम एसिड में डालते हैं तो वो कलरलेस होगा, और अगर इसके दो तीन ड्रॉप्स हम पिंक में डालते बेस में डालते हैं तो उसका रंग क्या होता है, वो पिंक कलर का होता है। तो ये क्या है, इसके माबेन में डिफरेंसेस है। एक और पॉइंट की तरफ भी आते हैं, एसिड क्या है, वो करस्यो होता है, और करस्यो से मुराद ये है कि स्किन को जिल्द को क्या कर देती है, वो जलाती है, ठीक हो गया, इसका काम ये होता है। एक और भी है कि ये फैब्रिक्स जो कपड़ा होता है उसको भी ये नुकसान पहुंचा देता है। बेस की भी यही प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस की जब हम बात करते हैं भी करसिव होता है। और एक ये है कि ये प्रोटीन का क्या कर देता है, डीनेचर कर देता है प्रोटीन को, यानी कि ये अगर स्किन पे लग जाए या अगर जिस्म में चला जाए तो जो भी एंजाइम्स होते हैं, जो भी प्रोटीन है, तो उसका ये खात्मा कर देती है। तो ये क्या है, आपस में डिफरेंसेस है कि एसिड बेस का आपस में डिफरेंस क्या है और ये किस टाइप का वो आता है। अब एक और भी है कि बेस और अल्कली के माबेन में क्या फ़र्क होता है, तो उसके बारे में क्या करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। एक सेकंड टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे, दैट इज़ बेसिस और अल्कलीज के माबेन में फ़र्क। बेस असल में क्या होता है, ये मेटल ऑक्साइड होता है या मेटल हाइड्रोक्साइड होता है। मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये तीनों मेटल है जिसका ताल्लुक ऑक्सीजन के साथ। मेटल हाइड्रोक्साइड में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का ताल्लुक हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ होता है, तो इसको मेटल हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसका आपस में क्या होता है, इसका रिएक्शन होता है किस चीज़ के साथ, किसी एसिड के साथ, मतलब है इन दोनों का जो रिएक्शन है, इसका और इसका, इन दोनों का रिएक्शन होता है एसिड के साथ होता है, और एसिड के रिएक्शन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये बनाता है साल्ट और प्लस वाटर बनाता है। इसकी ये बेस की यही खासियत होती है कि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। तो ये बेसिक ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ आता है तो वो बेसिक ऑक्साइड होता है, तो मेटल ऑक्साइड है और मेटल हाइड्रोक्साइड है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जरिए एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट एंड वाटर बनाता है। लेकिन अल्कलीज क्या है, अल्कलीज असल में अ वाटर सॉल्युबल बेस होता है, कोई ऐसा बेस जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाता हो तो उसे अल्कली कहता है। जैसे एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जो ही हम पानी में फेंकते हैं तो आगे से हमें ये आइंस की फॉर्म में वो मिलते हैं। अच्छा, ये एक डायग्राम है जिसको द विंड डायग्राम कहा जाता है। ये पूरे का पूरा जो सर्कल है ये बेस है, लेकिन बेसिस के अंदर अल्कलीज है, यानी कि जितनी अल्कलीज है तमाम अल्कलीज को बेस कहा जाता है, ठीक हो गया, तमाम अल्कलीज बेसिस है, लेकिन तमाम बेसिस को अल्कली नहीं कहा जाता। यहाँ पर मैंने लिखा है ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलीज। इसमें कुछ ऐसी बेसिस हैं जो कि अल्कली नहीं कहा जाता, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ठीक हो गया, या इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहा जाता है, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड। सो कॉपर ऑक्साइड और जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, ये दोनों असल में ऐसी कंपाउंड है कि जो एसिड के साथ इसका रिएक्शन होता है, यानी कि इसका टकराव किसके साथ, वो HCl के साथ भी हो सकता है, प्रोडक्ट में बनाता है कॉपर क्लोराइड बनाता है, ठीक हो गया, और साथ में क्या है H2O बनाता है। तो इसने साल्ट और वाटर तो क्या कर दिया, वो प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन ये कॉपर ऑक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, तो ये दोनों कंपाउंड जब पानी में डिसॉल्व नहीं होते तो उसको हम अल्कली नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है दीज रिएक्ट विद एसिड्स एंड न्यूट्रलाइजेस देम, ये एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर देता है, बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी की बेस पे इसको हम अल्कली नहीं कहते। आज के लिए लेक्चर